7 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तट से 30 किलोमीटर दूर काकीनाडा में क्रूड ऑयल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस ऑयल फील्ड को 2016 में खोजा गया था और इसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई यहाँ पर ऑयल रिग सेटअप करके ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि 100 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आखिर जमीन और समुद्र में कैसे खोजा जाता है? इस वीडियो में हम क्रूड ऑयल की तलाश के बारे में जानेंगे और लास्ट में भारत के सारे ऑयल फील्ड्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन पर स्थित काकीनाडा ऑयल फील्ड में टोटल 26 वेल्स हैं, जिसमें से 4 वेल्स ऑपरेशनल हैं और जून तक सारे वेल्स ऑपरेशनल हो जाएंगे और इससे करीब 45,000 बैरल क्रूड ऑयल प्रतिदिन निकाला जाएगा, जो कि भारत के टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का करीब 7% होगा। इंडिया, जो कि 85% ऑयल्स इम्पोर्ट करता है, इस फील्ड के ओपन होने से इंटरनेशनल वोलेटाइल एनर्जी मार्केट पर इंडिया की निर्भरता थोड़ी कम होगी और इंडिया एक कदम आगे बढ़ेगा आत्मनिर्भरता की ओर। 2030 तक 25% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंडिया खुद करना चाहता है और इसी वजह से नए ऑयल फील्ड की तलाश पूरे देश भर में चलते रहती है। पर जमीन के इतने अंदर इन ऑयल रिजर्व्स को कैसे खोजा जाता है, आइए देखते हैं। क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व्स धरती के अलग अलग लेयर्स में बंद रहते हैं। ये जमीन और समुद्र के तल के नीचे दोनों जगह पाए जाते हैं और इन ऑयल रिजर्व्स को खोजने में जियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कई जगह जहां ये भंडार काफी ज्यादा होते हैं और धरती के करीब 100-200 फीट पर होते हैं, वहां के पत्थरों के सैंपल से जियोलॉजिस्ट वहां मौजूद ऑयल का पता लगा सकते हैं। पर ज्यादातर केसेस में ये धरती के काफी नीचे या सागर तल के नीचे रहते हैं। वैसे रिजर्व्स को खोजने के लिए सीज़मिक वेव्स का यूज किया जाता है। धरती पर किसी जगह तेल खोजने के लिए करीब 200 फीट डीप सुरंग खोद के उसमें डायनामाइट को ब्लास्ट कराया जाता है, जिससे धरती में कंपन होता है और वेव्स धरती की भीतरी लेयर्स तक टकराती है और टकरा कर वापस आती है। इसी वापस आते वेव्स को सीज़मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और फिर इन वेव्स को सुपर कंप्यूटर्स के मदद से रीड किया जाता है। इन वेव्स को रीड करने से धरती के अलग अलग लेयर्स में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में पता लगता है। हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी इन वेव्स को कुछ अलग तरह से वाइब्रेट करवाती है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी को मेजर करके ऑयल की वॉल्यूम और गहराई के बारे में पता लगाया जाता है। क्योंकि तेल निकालना एक काफ़ी महंगा काम होता है, इसलिए अगर ऐसे तेल के भंडार काफ़ी बड़े होते हैं तभी उनमें आगे ड्रिलिंग की जाती है। पर कृष्णा गोदावरी में जो तेल मिली है वो समुद्री तल के नीचे मिली है और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। समुद्र के अंदर तेल को खोजने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें शिप्स को यूज़ करके समुद्र में सीज़मिक वेव्स रिलीज किया जाता है और इन वेव्स को रीड करके जियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि समुद्र के तल में तेल है या नहीं। और तेल मिलने पर यहाँ ड्रिल करके सैंपल लिया जाता है और पता किया जाता है कि यहाँ से तेल एक्सट्रैक्ट करना फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं, और उसके बाद ही यहाँ ऑयल रिग बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण ये तरीका और भी एडवांस्ड होते जा रहा है। बहुत से जगहों पर थम्पर ट्रक का यूज किया जाता है जमीन पर तेल की खोज के लिए। थम्पर ट्रक में अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जिसको यूज करके सुरंग और ब्लास्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये धरती के ऊपर से ही उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट करके सीज़मिक वेव्स रिलीज कर देता है, जिसको रीड करके तेल का पता लगाया जाता है। जियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीकों को यूज़ करते हैं और ड्रिलिंग करने से पहले बहुत बार टेस्ट करके वहाँ के तेल के अमाउंट को पता किया जाता है, और जब वहाँ से तेल निकालना फायदेमंद होता है तभी वहाँ ड्रिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है और यहाँ की कंजम्पशन का 15% यहीं के ऑयल फील्ड से आता है। भारत में ऑयल फील्ड्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ऑनशोर ऑयल फील्ड्स और ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। ऑनशोर का मतलब जमीनी ऑयल फील्ड्स है। इसमें भारत के 3 जगह पर ऑयल फील्ड्स है। पहला है ब्रह्मपुत्र वैली, जिसमें डिगबोई और नहरकटिया ऑयल फील्ड्स आते हैं। भारत में सबसे पहला क्रूड ऑयल असम में 1860 में इसी रीजन में खोजा गया था। दूसरा रीजन है गुजरात ऑयल फील्ड्स, जहाँ अंकलेश्वर कैम्बेल लूनी रीजन और अहमदाबाद कलोल रीजन के ऑयल फील्ड्स हैं। तीसरा और आखिरी ऑनशोर रीजन राजस्थान ऑयल फील्ड्स है, जहां मंगला एरिया के ऑयल फील्ड्स अभी तक के भारत के सबसे बड़े इनलैंड ऑयल फील्ड्स हैं। दूसरे प्रकार के ऑयल फील्ड्स होते हैं ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। ये ऑयल फील्ड्स भारतीय तट से थोड़े दूर समुद्र में पाए जाते हैं और इस तरह के ऑयल फील्ड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स और ईस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड में से सबसे बड़ा है बॉम्बे हाई, जो कि भारत के टोटल क्रूड ऑयल का 65% प्रोड्यूस करता है। दूसरे ऑयल फील्ड्स हैं बसीन ऑयल फील्ड और अलाइबेट ऑयल फील्ड। बात करें ईस्टर्न कोस्टल ऑफशोर ऑयल फील्ड्स की, तो कावेरी बेसिन, महानदी बेसिन और गोदावरी बेसिन ऑयल फील्ड्स मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, और काकीनाडा के ऑयल फील्ड्स भी इसी रीजन में आते हैं। तो ये सारी कहानी थी क्रूड ऑयल और भारत के ऑयल फील्ड्स की।
पर ये क्रूड ऑयल इस फॉर्म में हमारे किसी काम का नहीं है, और इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस और रिफाइन करने के बाद ही इससे पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस इत्यादि बनाया जाता है। और इसके लिए भारत के अलग अलग जगहों पर रिफाइनरीज सेटअप की गई है, जहां से कच्चे तेल को काम लायक पेट्रोल या आदि प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। अगर आप रिफाइनिंग के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक्स दे दे और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दिखाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।